अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहानआरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स दाल तड़का। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं यहाँ पर बिल्कुल एक नए अंदाज़ में इसे बनाऊँगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिक्स दाल तड़का की रेसिपी। मिक्स तड़का दाल बनाने के लिए हमें चाहिए तड़का दाल। मैंने यहाँ पर एक बड़ी कप तड़का दाल को ओवरनाइट के लिए इस तरह से पानी में भिगो लिया है और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुका है। तड़का दाल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर दो तरह के राजमा, एक काबुली चना, दो तरह के मूंग की दाल, चने की दाल, इस तरह से मिलकर तड़का दाल बनता है। तो आपको अगर मार्केट में ना मिले तो आप किसी भी किराने दुकान में अगर आप बोलेंगे तो इस तरह से एक एक मुट्ठी दाल लेकर आप इस तरह से मिक्स तड़का दाल बना सकते हैं। और इसी के साथ हमें चाहिए अंडे। मैं यहाँ पर 4 अंडे से दाल तड़का बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई फ्लेम पर अब हमें कुकर रख लेना है। कुकर के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 6 से 7 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर अंडे को फोड़ कर डालूँगी। मैंने यहाँ पर 4 अंडा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर 2 अंडे से भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तेल में अंडे को हम अच्छी तरह से खरड़ लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। पाउडर मसालों में हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से अंडे में मिला लेंगे और चम्मच से हमें इस तरह से अंडे को तोड़ लेना है। जब हमारा अंडा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, हम इसे तेल से छान कर निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अंडे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। कुकर में तेल बचा हुआ है, अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल लेती हूँ। इसे मैं 1 मिनट के लिए तेल में सौंटे करूँगी। 1 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर डाल दूँगी। इसे मैं हल्का सा तेल में भूनूंगी, हल्का सा हमें लाल करना है इसे। प्याज का कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो चुका है, नरम भी हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट कर डाल लेती हूँ। इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में कट करके हमें डाल लेना है। प्याज और टमाटर को हम हल्का सा पका लेते हैं जब तक हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। स्टोव का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो पर ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ और मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब हमें सारे पाउडर मसालों को अच्छी तरह से भुनना है। सारे मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक मसालों से तेल ना छोड़ना स्टार्ट हो जाए। मसालों को भुनने के दौरान मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो अब हमें मसालों को स्टोव के लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेते हैं जब तक मसालों से तेल ना छोड़ना स्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारे मसालों से तेल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं यहाँ पर हमने जो दाल को भिगो कर रखा हुआ था उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। मिक्स दाल को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं और साथ ही मैं यहाँ पर 1.5 से 2 ग्लास के करीब पानी डाल दूँगी। दाल के ऊपर तक हमें पानी रखना है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर कुछ मसाले डालूंगी और साथ ही नमक। यहाँ पर मैं आधी चम्मच के करीब नमक डाल लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ दाल के साथ। सबसे आखिर में हमने जो अंडे को तल कर रखा हुआ था उसे भी मैं यहाँ पर शामिल कर लूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। स्टोव का फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर लेंगे। अच्छी तरह से जब एक खोलने लगेगा हम कुकर का लीड लगा देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से खोलने लगा है। अब मैं कुकर का लीड लगा देती हूँ और स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 व्हीसल आने तक पकाएंगे, या फिर आप 1 व्हीसल आने के बाद स्टोव का फ्लेम लो कर लें। लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए कुकर को इसी तरह से छोड़ देंगे। तो उसके बाद भी हमारा दाल तड़का तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो स्पीड में, स्टोव के हाई स्पीड में 6 से 7 व्हीसल भी लगा सकती हैं। तो चलिए मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ।
छः से सात व्हिसल देने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। अब हमारा कुकर से सारा प्रेशर जा चुका है, तो चलिए इसका लीड हटा कर देख लेते हैं। माशाल्लाह हमारा दाल तड़का बिल्कुल बनकर तैयार है और राजमा, काबुली चना, सारे दाल अच्छी तरह से गल भी गए हैं। तो सबसे आखिर में मैं यहाँ पर कुछ फ्रेश हरी धनिया को बारीक काट कर डाल लेती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप दाल तड़के को गर्मा गर्म नान या फिर रोटी चपाती या फिर पूरी के साथ सर्व कीजिए। गर्मा गर्म खाने में ही इस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी अपने घर पर बनाएंगी, आपका दाल तड़का बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना भी मत भूलिए। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।